सुपरस्टार तशरीफ लाते हैं, मशहूर फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार नदीम। नदीम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप नजीर बेग से नदीम कैसे हो गए? वही नहीं है, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। नजीर बेग मैं जब था, जब तक मैं फिल्मों में नहीं आया था, फिल्मों में आने के बाद मैं नजीर बेग से नदीम हो गया। और आपको भी पता है, और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि मेरी पहली फिल्म चकोरी थी। उससे पहले मुझे कुछ गाने का शौक था, रेडियो और टेलीविजन से गाया करता था, शौकिया, लेकिन शायद इतना बुरा गाता था कि मैं सिंगर नहीं बन सका बावजूद कोशिश के। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए, इत्तफाकात कह लें, कि मैं फिल्म में आ गया, बतौर एक्टर आ गया। फिर उसका मैं, पहले मैं विलन था उस फिल्म का, माशाल्लाह जी हाँ। उसके बाद मैं फिर वो हीरो के रोल में आ गया। अच्छा, ये जब चकोरी आपकी रिलीज हुई थी तो पहले दो हफ्ते जो थे उसमें तो वो फिल्म पिट गई थी जी हाँ। तो दो हफ्ते बाद अचानक उस फिल्म ने पिक लिया और वो सुपर हिट हो गई, तो क्या इन दो हफ्तों में आपने कोई तावीज गंडा करवाया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मेरी तो पूरी तवक्को यही थी कि ये फिल्म नहीं चलेगी, और जो भी मेरे दोस्त या मेरे जो रिश्तेदार या जो मेरे जानने वाले इसको देखेंगे तो वो मुझ पे लानत मलामत करेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी फिल्मों में काम करने, कोई अच्छा ही काम कर लिया होता। लेकिन फिर इत्तफाक से वो फिल्म चल गई, लोगों ने सराहा, पसंद किया, जिसकी वजह से आज हम आपके इस प्रोग्राम में बैठे। खवातीन और हज़रात, चकोरी, छोटे साहब, संगदिल और बहन भाई, ये चार पहली फिल्में, नदीम साहब सब कॉन्टिनेंट के वाहिद एक्टर हैं जिनकी चार पहली फिल्मों ने गोल्डन जुबली की है। नदीम साहब जनाब, कितने रोमांस किए आपने, कितनों के घर बर्बाद किए आपने? मुईन, बहुत से फिल्मों में, क्योंकि हमारी फिल्मों में ज्यादातर मौजू तो यही होता था। आजकल कुछ रोमांस से हटके वायलेंस पे आ गए हैं, मारधाड़ पे आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में शुरू में ज़ाहिर है रोमांटिक फिल्में ही बनती थी। फिर उसके बाद सोशल फिल्मों का और फैमिली सब्जेक्ट का दौर शुरू हुआ, और आजकल जो है आप देखते हैं कि वो एक्शन फिल्मों का दौर दौरा है, वही चल रही है। हाल ही में कोई फिल्म बना रहे हैं आप? जी हाँ, एक फिल्म बना रहा हूँ, पंजाबी में बना रहा हूँ मैं। पंजाबी में क्यों बना रहे हैं? आप तो उर्दू फिल्मों के अदाकार हैं। मुईन, मैं उर्दू फिल्मों का अदाकार ज़रूर हूँ, लेकिन पंजाबी हमारी मुल्की ज़बान है, और अगर मौका मिला तो मैं ना सिर्फ पंजाबी बल्कि सिंधी में भी बनाऊँगा, पश्तो में भी बनाऊँगा, बलोची में भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, और उर्दू में तो मैं काम करता ही। और जाहिर है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब ज़बानें हमारी, और इस तरह से हम और एक दूसरे के दिलों में उतर जाएंगे, नज़दीक आएंगे। आप एक ज़माने में क्रिकेट भी तो खेलते थे, और सुना है आपका सिलेक्शन भी हो गया था टीम में? नहीं, टीम में मतलब कोई नेशनल टीम में नहीं हुआ था, मुझे शौक था, मैंने बहुत वक्त इस खेल में ज़ाया किया जिसका मुझे आज एहसास होता है। इत्तफाक से वो यहाँ नेशनल स्टेडियम पे ट्रायल्स हो रहे थे कायद आज़म ट्रॉफी के, तो उन दिनों मैं इस्लामिया कॉलेज में था, तो मेरे एक दोस्त को ट्रायल्स पे बुलाया गया था, मेरा नाम नहीं था। तो चूंकि हमें क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो इत्तफाक से जब मैं भी एक गेंद उठाई और मैंने बॉलिंग करनी शुरू कर दी, तो उन दिनों बीसीसीपी जी हाँ, उसके चेयरमैन थे आईए खान साहब, तो वो बैटिंग करने आ गए मेरे सामने, तो गेंद मैं कर रहा था, तो गालिबन मेरी कुछ ऐसी दो चार गेंदें उन्होंने खेली कि उन्होंने महसूस किया कि अच्छा बॉलर हो सकता है ये लड़का, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। फिर दूसरे दिन जिस दोस्त के साथ मैं गया था वो बाहर थे, और टीम के अंदर मैं हो गया। तो ये अभी फाइनल टीम नहीं बनी थी, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन था, दूसरे दिन दो टीमें खेली, तो फर्स्ट चेंज में मुझे गेंद दी गई, तो मेरी हालत अब मैं अब क्या बताऊं सबके सामने, कि मुझे यूं लगा कि मैं तो वाकई कायद आजम ट्रॉफी खेलने लगा हूं। तो मैंने पहली गेंद की, मैंने देखा बैट्समैन जो है वो बिल्कुल नहीं हिला, वहीं खड़ा हुआ है,
तो मैंने देखा कि मेरी पहली गेंद लेग अंपायर के पास गई। अच्छा, जो दूसरी गेंद की, फिर वो वहीं खड़ा रहा, वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में, गेंद मैंने की तो वो मैंने अपने पैरों ही पे दे मारी। उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट नहीं खेली। अल्लाह का बड़ा एहसान है नदीम साहब कि आप उसमें नहीं चले। जी हाँ, अगर आप गेंद के पीछे दौड़ने में कामयाब हो जाते तो हीरोइन के पीछे आज कौन दौड़ता।